हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैसे स्टॉक के ऊपर, जिसमें कि आज हम लोगों को तकरीबन 95% का जो है गिरावट देखने को मिल रहा है। तो आखिर इस गिरावट के पीछे का असली वजह क्या है, अगर हम लोगों के पोर्टफोलियो में स्टॉक है तो फिर जो है हम लोगों को क्या करना चाहिए, सभी बातों पर एक एक करके डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तभी आपको सभी बातें समझ में आएंगी। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और उसके साथ ही जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं उन सभी के लिंक जो है आपको एंड स्क्रीन पर या फिर आई बटन पर मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी उन वीडियोज़ को देख सकते हैं या फिर चैनल पेज पर विजिट करके भी उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग आज कौन से स्टॉक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं एक्सेल रियल्टी इंफ्रा लिमिटेड के ऊपर। ये एक पेनी स्टॉक है और अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो आज इस स्टॉक में बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट हम लोगों को देखने को मिल रहा है। स्टॉक जो है यहाँ पर आपको 10 रुपीज से सीधा 65 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। तो इस गिरावट के पीछे का असली वजह क्या है, तो चलिए समझते हैं, देखते हैं जो इस गिरावट का असली वजह क्या है। सबसे पहले अगर बता दें तो इस स्टॉक के ऊपर न्यूज़ है, और न्यूज़ क्या है अगर यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले स्टॉक को स्प्लिट किया गया 1:10 के रेशियो में। इसका मतलब अगर आपके पास एक स्टॉक था तो उसको आपको 10 स्टॉक जो है वहाँ पर बना दिया गया। तो सपोज अगर आपके पास 10 स्टॉक है तो वो आपका 100 स्टॉक हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टॉक को स्प्लिट किया गया, जिससे कि फेस वैल्यू जो है वो आपको 10 रुपये से 1 रुपया आ गया। उसके बाद आपको 2 शेयर पे 1 शेयर बोनस दिया गया। 1:2 बोनस का मतलब होता है 2 शेयर पे 1 शेयर आपको बोनस दिया गया, तो जिसकी वजह से जो है आपको रेट यहां पे 65 पैसे का हो चुका है। और स्टॉक में आज लगा हुआ है अपर सर्किट। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो इस स्टॉक में पहले प्राइस को एडजस्ट होने दीजिए, अभी आपको प्राइस एडजस्ट नहीं है। एक बार प्राइस एडजस्ट होगा उसके बाद ही जो है आपको क्लियरली टेक्निकली पता चलेगा जो किस लेवल पे हम लोगों को बाइंग या सेलिंग करना चाहिए, हम लोगों को कहाँ पे बाई करना चाहिए या फिर ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है तो कहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो एक बार के लिए यहाँ पर जो है आप प्राइस को पहले एडजस्ट होने दीजिए अपने इस प्रोपोर्शन के हिसाब से, क्योंकि आज अगर यहाँ पे देखेंगे तो कुछ इस टाइप से दिख रहा है, ये आपको प्राइस एडजस्ट होगा। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे जो आगे इस स्टॉक पे हम लोगों का क्या व्यू होना चाहिए। तो आई थिंक आप लोगों को सभी बातें जो है क्लियर हो गई होंगी, आपके मन में जो भी डाउट होगा इतने बड़े गिरावट के बाद वो सभी क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।